इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे वाइंडिंग मशीन का प्रोग्रामिंग किया जाता है, कैसे उसका मैकेनिकल सेटिंग किया जाता है, कैसे वायर का रूटिंग किया जाता है। कुछ कस्टमरों के फीडबैक्स आए हुए हैं उस वीडियो को देख के कि स्पेशल इस कूलर पंप की वाइंडिंग का वीडियो शेयर किया जाए। तो आज उनके रिक्वेस्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि इस कूलर पंप का कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, यहाँ से वायर इंसर्ट करेंगे और इस पुली के नीचे से लेके इस बेल्ट के सेंटर से निकालेंगे हम। उसके बाद में सबसे पहले इसका दो पोजीशन लेंगे, एक यहाँ स्टार्ट पोजीशन लेंगे, उसके बाद में ये रिटर्न पोजीशन नोट करेंगे। ये प्रोग्राम नंबर 1 होगा हमारा। उसके बाद में इसका पोजीशन हम फिर प्रोग्राम नंबर दूसरे सेक्शन का नोट करेंगे, स्टार्ट पोजीशन और फिर इसका रिटर्न पोजीशन। वो कैसे नोट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक बार स्टार्ट बटन दबाना है और उसके बाद में ये राइट की को प्रेस करना है। हमारा ये फीडर मूव करेगा, राइट प्रेस करेंगे तो राइट की तरफ मूव करेगा और लेफ्ट प्रेस करेंगे तो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो हम इसको पहले राइट साइड प्रेस करके इसको वायर को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे जहां हमें स्टार्ट करना है, जो हमें स्टार्ट पोजीशन लेना है। ये मेरा वायर बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। ये इधर पोजीशन दिखाएगा कि जो हमें फीडर स्टार्ट में डालना है वो पोजीशन दिखा रहा है 7.3। उसको हम इधर नोट करेंगे कि फीडर स्टार्ट पोजीशन फर्स्ट प्रोग्राम का फीडर स्टार्ट पोजीशन 7.3 mm, और फर्स्ट का कहाँ से हमें वाइंडिंग वापस लेना है तो इस किनारे से हमें वाइंडिंग वापस लेना है, दूसरे छोर से। यहाँ से हम आगे पीछे करके थोड़ा लेफ्ट राइट करके पूरा स्ट्रेट करेंगे। ये मेरा वायर बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है अभी। ये पोजीशन शो कर रहा है डिस्प्ले के ऊपर में 28.4। ये पोजीशन हम इसको नोट करेंगे कि फीडर रिटर्न पोजीशन ये आया है 28.4 mm। ये मेरा फर्स्ट सेक्शन का स्टार्ट और रिटर्न पोजीशन है। इसी तरीके से हम दूसरे सेक्शन का भी स्टार्ट और रिटर्न पोजीशन लेंगे। इसको थोड़ा और प्रेस करके रखेंगे। दूसरे सेक्शन का बिल्कुल स्ट्रेट मैंने वायर कर लिया, दूसरे सेक्शन का फीडर स्टार्ट के लिए। इसका पोजीशन आया है 31.7 फीडर सेकंड सेक्शन प्रोग्राम फीडर स्टार्ट पोजीशन, ये है हमारा 31.7 mm। और इसका रिटर्न वापस कहाँ से होना है वाइंडिंग, ये वायर मेरा स्ट्रेट हो गया, ठीक है। ये पोजीशन है 52.3, ये डिस्प्ले पे शो कर रहा है रिटर्न फीडर रिटर्न पोजीशन 52.3। इसको नोट कर लेंगे फीडर रिटर्न पोजीशन 52.3 mm। ये दो पोजीशन अंदर जाके प्रोग्राम के अंदर जाके डालने होते हैं इस कंप्लीट दो सेक्शन की वाइंडिंग को वाइंड करने के लिए। अब सबसे पहले शुरू से हमें स्टार्ट करेंगे। मशीन को मैं यहाँ से रीसेट कर रहा हूँ, मशीन बिल्कुल मेरा होम पोजीशन पे आ गया, ठीक है। प्रोग्रामिंग करने के लिए अब हम सबसे पहले फर्स्ट हम ये देखेंगे कि हमें प्रोग्राम नंबर यहाँ पे 01 सेलेक्ट करेंगे और 01 सेलेक्ट है। इसके बाद में हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में ये मेरा करंट प्रोग्राम है, जो हमारा अभी हमने जो ओपन किया है प्रोग्राम वो है मेरा करंट प्रोग्राम। इसके बाद इंटर किया तो आया स्टार्ट प्रोग्राम, तो स्टार्ट प्रोग्राम भी मेरा 01 से ही है। और एंडिंग प्रोग्राम, तो एंडिंग प्रोग्राम मेरा 02 है। ये 02 इसलिए है क्योंकि ये प्रोग्राम नंबर 1 और ये प्रोग्राम नंबर 2 है। फर्स्ट प्रोग्राम वाइंडिंग करेगा, उसके बाद में सेकंड प्रोग्राम पे जाएगा, इसलिए यहाँ पे एंड का देना है कि एंड कहाँ पे हो रहा है। उसके बाद में अभी करंट प्रोग्राम मेरा 01 है, तो 1 ओपन हुआ है, इसको इंटर किया। नंबर ऑफ़ टर्न्स पूछेगा, नंबर ऑफ़ टर्न्स इसमें बेसिकली 3250 होते हैं पंप कॉइल की वाइंडिंग में।
लेकिन हम फिलहाल अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इसलिए अब हम इसमें हम डाल रहे हैं अभी 1200 डाल रहे हैं टर्न्स, ठीक है। ये मैंने 1200 टर्न्स यहाँ पे इंटर किया। नंबर ऑफ टैप्स हमेशा आपको ज़ीरो रखना है। डी एक्सलेशन टर्न्स हमेशा 200 रखना है, क्योंकि ये लास्ट में थोड़ा पूरा टर्न्स हाई स्पीड से वाइंडिंग होगा, तो थोड़ा 200 टर्न्स रहेगा जो स्लो वाइंडिंग होकर रुका था, तो वायर का रूटिंग बना रहे। इसके बाद इंटर करेंगे ब्रेक टर्न्स। ब्रेक टर्न्स हमेशा 1 रखना है आपको। वाइंडिंग स्पीड, इस कॉइल की वाइंडिंग हमेशा 99% पे होती है फुल स्पीड, जो कि आपको 9000 या 9500 RPM आएगा। उसके बाद आता है एक्सलेशन टाइम, ये 0.1 सेकेंड रखना है हमेशा। इसके बाद आता है ये जीरो एक्सलेशन टाइम था, जो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चलेगा एक सेकेंड दिया, तो उसके बाद भी वो फुल स्पीड पकड़ता है। उसके बाद में आता है डी एक्सलेशन स्पीड, ये हमेशा 0.0 रखना है। फीडर स्टार्ट पोजीशन, अब ये फीडर स्टार्ट वही पोजीशन है जो मैंने आपको यहाँ सारा नोट किया था, फर्स्ट सेक्शन का जो पोजीशन था फीडर स्टार्ट और फीडर रिटर्न, वही फीडर स्टार्ट हम यहाँ पे इसको डालेंगे। तो फीडर स्टार्ट पोजीशन फर्स्ट सेक्शन का था 7.3, वो यहाँ पे मैं डालूँगा इसको 7.3। फिर पूछेगा फीडर रिटर्न पोजीशन, तो फीडर रिटर्न पोजीशन हमने नेट किया था 21.4, इसको हम डालेंगे 28.4। फिर इंटर किया, पूछेगा वायर पिच, आपकी वायर की मोटाई कितनी है, तो इसमें हम पंप कॉइल में हमेशा 0.20 रखना। फिर इंटर करेंगे लेयर स्टॉप, हमेशा 0 रहेगा आपका। ब्रेक हमेशा ऑफ रखेंगे। डायरेक्शन CCW है, ये डायरेक्शन चलेगा आपकी वाइंडिंग, पंप कॉइल की वाइंडिंग इस डायरेक्शन में होती है। डायरेक्शन के लिए CW ऐसा चलेगा, बट आपको CCW ही रखना है। फिर इंटर करेंगे फीडर रीसेट ऑटो है, फीडर फिर टर्न्स रीसेट ऑटो रखेंगे। फीडर रीसेट ऑटो मतलब आपका ये वाइंडिंग किया कंप्लीट, दूसरे कॉइल के लिए ऑटोमेटिकली ये फीडर पोजीशन ले लेगा, उसके लिए फीडर रीसेट ऑटो रखेंगे। टर्न्स रीसेट ऑटो, आपकी टर्न्स की काउंटिंग हुई 0.32, जो अभी हमने डाला है 1200 टर्न डाला है, वो इसको वाइंडिंग करेगा और दूसरे सेक्शन की वाइंडिंग से पहले वो जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसलिए उसको टर्न्स रीसेट ऑटो रखेंगे। इसके बाद में आएगा नेक्स्ट प्रोग्राम मैनुअल, ये हमेशा मैनुअल है क्योंकि इसको वाइंडिंग करेगा, इसको ऑटोमेटिक वाइंडिंग नहीं करना है, क्योंकि इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक ज्वाइंट होता है एक ओपन होता है, तो हमेशा ज्वाइंट के एरिया से ही वायर को क्रॉस करना होता है, इसलिए हमेशा मैनुअल रखेंगे इसको। फिर इंटर करेंगे स्टॉप BT प्रोग्राम, हमेशा येस रखना है आपको। ट्विस्टिंग टाइम नो रखना है। उसके बाद में पासवर्ड आ जाता है यहाँ पे लॉक, आपको कोई प्रोग्राम डिस्टर्ब ना करे या कोई चेंज ना करे, इसलिए आप पासवर्ड लगा के रख सकते हैं। इसके बाद इंटर करेंगे, फिर आएगा स्टोर डाटा प्रोग्राम नंबर 01, हमने जो भी अभी टर्न्स डाला वो जो भी डाटा फीड किया वो अभी जैसे इंटर मारेंगे वो हमारे प्रोग्राम नंबर 1 पे स्टोर हो जाएगा। अब मैंने इंटर किया, अब मेरा सेक्शन 1 का प्रोग्रामिंग कंप्लीट है। इसी तरीके से जैसे हमने प्रोग्रामिंग फर्स्ट सेक्शन का प्रोग्रामिंग किया, वैसे ही आप प्रोग्राम नंबर 2 करके दूसरे सेक्शन के प्रोग्रामिंग करेंगे। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फर्स्ट प्रोग्राम को सेकंड में कॉपी करते हैं, कॉपी करना बताने के लिए अभी मैं आपको यहाँ पे 1 को ओपन करूँगा। टर्न्स तक आने के बाद में एक बार स्टार्ट बटन दबाना है, सीधा लॉक पे आ जाओगे आप। उसके बाद में दो बार इंटर बटन दबाना है, दो बार इंटर बटन प्रेस करेंगे तो स्टोर प्रोग्राम नंबर 01 आया। यहीं पे आप 02 कीजिए, आपका प्रोग्राम नंबर 01 02 पे इंटर करते ही कॉपी हो जाता है। आप 02 करके अब इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे करेंट प्रोग्राम 02 ओपन हुआ मेरा, तो सारा फंक्शन वही है जो 01 का है, सिर्फ इसके अंदर में जाके हम फीडर स्टार्ट फीडर रिटर्न को ही चेंज करना है। सब सेम है, डीएक्सलेशन टर्न्स वही 200, ब्रेक टर्न्स 1, वाइंडिंग स्पीड 99, एक्सलेशन टाइम 0.1 सेकेंड, डीएक्सलेशन स्पीड 0.0, फीडर स्टार्ट 7.3। अब इसको मैं सेकेंड सेक्शन का जो हमने नोट किया था वो मैं इसमें फीड करूँगा। ये था फीडर स्टार्ट पोजीशन 31.7, यहाँ पे मैं इसको फीड करूँगा 31.7। फिर इंटर किया, फीडर रिटर्न पोजीशन में नोट किया था 52.3, ये आया 52.3। फिर इंटर करेंगे, बाकी सारा वायर पिच वही रहेगा, लेयर स्टॉप 0, ब्रेक ऑफ, डायरेक्शन CCW, फीडर रीसेट ऑटो, टर्न्स रीसेट ऑटो, नेक्स्ट प्रोग्राम मैनुअल, स्टॉप BTS, ट्विस्टिंग टाइम नो, पासवर्ड वगैरह। फिर यहीं से आप स्टोर करके आप प्रोग्राम नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 01 करेंगे क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा, और एक बार हम इसको, अब मेरा ये प्रोग्रामिंग कंप्लीट है, एक बार स्टार्ट बटन देंगे, पोजीशन लिया,
वायर को शॉर्ट करेंगे और ये मेरा वायर को यहाँ से निकाला और ये पहला सेक्शन प्रोवाइड किया। ये पहला सेक्शन की वाइंडिंग हो गया। उसके बाद में वायर को यहाँ से क्रॉस करेंगे जहाँ से ये जॉइंट है, हाफ राउंड लेकर फिर इस सेक्शन पे वाइंडिंग स्टार्ट। ये वाइंडिंग हो गया, फीडर ऑटोमेटिकली दूसरे कॉइल के लिए पोजीशन ले लिया। इसको आप यहाँ से हम निकालेंगे, दूसरा बॉबिन फिर लगाएंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे वायर को और फिर इंसर्ट करेंगे, फिर वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ से वाइंडिंग स्टार्ट। आपको वाइंडिंग से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए या और भी कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए या हमें बताइए, हम आपका सोल्यूशन करेंगे या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइप का वीडियो बनाकर हम शेयर करेंगे आपको।